बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता ए नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। कुछ ही देर बाद स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन करेंगे जनाब मुजीब उर रहमान शामी साहब। भी आसान है मच के लवाहिकीन के साथ हम खड़े हैं, रोज़ाना उनके हक़ में बात कर रहे हैं, सदा बुलंद कर रहे हैं। आज भी उनका जिक्र होगा। वज़ीर आज़म तो अभी तक फ़ैसला नहीं कर पाए कि कब उन्होंने वहाँ पहुँचना है। अलबत्ता PDM की क़यादत जिसमें मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी शामिल हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी, अहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह दीगर भी, वो आज अलबत्ता ज़रूर कोयटा पहुँचे और लवाहिकीन से गले मिले, उनका दुख दर्द बाँटा। इस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे। लेकिन अमरीका में जो कल मनाजिर हमने देखे वो भी तारीख़ी अहमियत के हामिल हैं। जो जमहूरियत का लंबरदार है उसका अपना चेहरा कल दागदार हुआ, जो हमने देखा भी लाइव विजुअल्स की सूरत में। विजुअल्स आप देख भी पा रहे हैं। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामी हैं जिन्होंने कल अमेरिकी पार्लियामान, अमेरिकी कांग्रेस पर धावा बोला था, जो कि कैपिटल हिल के नाम से ये इलाका मनसूबा जहाँ पर तमाम तर अहम जो इमारात हैं अमेरिकी हुकूमत की वो मौजूद हैं, जिसमें अमेरिकी वान नुमाइंदगान, सेनेट और कांग्रेस की इमारतें मौजूद हैं। और ये 5 किलोमीटर से ज़ायद का रकबा है जिसको कैपिटल हिल हम कहते हैं वाशिंगटन DC में। तो यहाँ तसादम हुआ, हंगामा हुआ, अफरा तफरी हुई। कैपिटल हिल में ट्रंप के जो हामी हैं वो टूट पड़े और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी तकरीर थी, जो गुफ्तगू थी, उसके ऊपर बहुत रद्दमल हमें देखने को सुनने को मिला। हत्ता कि ट्विटर ने ये ट्वीट किए कि हम ये वीडियो उनकी उड़ा रहे हैं, उनका जो अकाउंट है वो लॉक कर रहे हैं। अगर 12 घंटों के अंदर उन्होंने ऐसे इश्ताल दिलाने वाले ट्वीट बंद ना किए तो उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो लॉक रहेगा। अब ऐसे में सवालात ये उठ रहे हैं कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? अमेरिका तो इन हवालों से नहीं जाना जाता था। और क्या डोनाल्ड ट्रंप फिट हैं बाकी जो दिन रह गए हैं उसके लिए, प्रेसिडेंसी निभाने के लिए? और क्या अमेरिका में जमहूरियत का वजूद ख़तरे में है या नहीं? और क्या उन्हें 20 जनवरी से पहले ओहदे से हटाया जा सकता है या नहीं? और फिर पूरे अमेरिकी निज़ाम पर, अमेरिकी सियासत पर, जहाँ पर पोलराइजेशन बहुत बढ़ रही है, उस पर क्या असर होगा? और दुनिया ने फिर इस सारे वाक़े को कैसे देखा, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया वाशिंगटन DC से दुनिया न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद आसिफ ने। हमें ज्वाइन करेंगे DC में ही मौजूद पाकिस्तानी मुमताज़ शहरी जनाब नदीम मलिक साहब, जो कि कश्मीरी कॉज को लेकर वहाँ बड़े मुतहरिक और अमरीकी सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। शामी साहब, ये तो हैं आज के दो अहम मौज़ूआत, यानी अमरीका में जो कुछ हुआ और मच का वाक़या। साथ मोहम्मद आसिफ ने हमें ज्वाइन कर लिया जो कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे वाशिंगटन DC में, और नदीम मलिक साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी रात गए, देखते रहे फिर TV स्क्रीनों पर जो कैपिटल हिल में होता रहा। ये तो पर अमरीकी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ जिसका आप कुछ तस्वर नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान में भी बड़े मुतनाज़े इलेक्शन हुए हैं और हर इलेक्शन के बाद यहाँ तो धांधली का इल्ज़ाम लगता है और अब यह भी कोई मुहावरा हो गया है। लेकिन 1970 का इंतखाब जो था, जो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा था, जिसको फिर भुट्टो साहब ने तस्लीम भी कर लिया कि दोबारा इंतखाब होगा, उसमें भी यानी पार्लियामेंट पे हमला नहीं हुआ। अब जिस तरह इन्होंने हमला किया है कांग्रेस पर और लोग फिर हलाकते हुई हैं वहाँ। जी, 4 अफराद जांबहक हुए, दर्जनों जख्मी हुए, इमरजेंसी का निफाज करना पड़ा। और जो हैरत की बात है कि सदर ट्रंप जो हैं वो अपने हामियों को मुसलसल इश्ताल दिला रहे थे और कह रहे हैं वी लव यू, और वो कह रहे थे कि 6 जनवरी जो है वो एक तारीखी दिन होगा, वो फैसले का दिन होगा, क्योंकि उस दिन कांग्रेस ने, यानी कांग्रेस और सेनेट दोनों ने जो इंतखाबी नताइज थे उनकी तौसीक करना थी, जो कर दी। तो अब उन्होंने अपने हामियों को कह रहे थे कि आप वाशिंगटन में जमा हो। वो हामी उनके जो थे पुरजोश किस्म के, वो जमा दाएं बाजू के, हाँ जी, जो भी एक्सट्रीमिस्ट एक तंजीम का नाम भी लिया जा रहा है, मैं जी जुनूनी, ये दुरुस्त लफ्ज़ है। तो अब आप ये देखिए कि और हैरत की बात यह है कि जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो कह रहे हैं कि हमें इसकी तवक्को नहीं थी, गोया उन्होंने कोई तैयारी नहीं की। वो जो अमेरिकन रवायत है वो समझ रहे होंगे कि अगर लोग इकट्ठे भी होंगे तो पूरा कर लेंगे, कोई नारे लगाएंगे और डिस्पर्स हो जाएंगे। तो कोई तैयारी उन्होंने की रोकने की, ना कोई कंटेनर लगाए, बिल्कुल ना कोई रास्ते रोके, ना कोई पुलिस खड़ी की। लेकिन व्हाइट हाउस के 4 अहम इस्तीफे आ चुके हैं। अब वो जो लोग आए फिर हमलावर हो गए और 2-3 किलोमीटर का फासला है व्हाइट हाउस। और व्हाइट हाउस का अगर रुख करते तो वहां भी हंगामा होता, लेकिन जो सदर का जो पर्सनल स्टाफ है और उनकी बेगम का जो पर्सनल स्टाफ है उसके 4 लोगों ने इस्तीफे दिए। मेलेनिया की जो चीफ ऑफ स्टाफ है, नायब मुशीर कौमी सलामती है, नायब प्रेस और सोशल सेक्रेटरी, ये 4 लोग हैं जो मुस्तफी हुए। खुद रिपब्लिकन पार्टी जो है उसमें भी एक हंगामा बरपा हुआ है। रिपब्लिकन पार्टी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डेमोक्रेट से मिलकर इस बात पर गौर कर रहे हैं कि क्या ये फिट भी हैं बाकी मानदा मुद्दत के लिए नहीं है। हो रहा था उसके इजलास की सदारत करते हैं नायब सदर जी, और जो अमेरिका के नायब सदर हैं यानी इस वक्त जो माइक पेंस जो हैं जी, उसके बाद आते हैं इनके ट्रंप के बाद, वो उन्होंने बात सुनने से इनकार कर दिया। सदर उनको कह रहे थे कि आप तौसीक न करें, उन्होंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता, और उन्होंने वही काम किया, तौसीक कर दी नतीजे की जी। और सदर ट्रंप जो है वो देखते रह गए, और अब अमेरिका में जो कैबिनेट है वो इस बात पर गौर कर रही है कि वहां दस्तूर में 25वीं तरमीम हुई थी जिसमें कहा था कि अगर कोई गैर मामूली हालात पैदा हो जाए तो अगर सदर जो है वो डीरेल हो जाए, फातरुल अकल हो जाए या कोई उसको कोई दौरा पड़ जाए तो कैबिनेट जो है वो अक्सरियत से फैसला कर सकती है, उसको आर्जी तौर पर अलग करके नायब सदर से कहे कि आप जिम्मेदारियां संभाल लें। तो ये इस बात पर गौर हो रहा है कि सदर ट्रंप जो है उनको अगर एक तरफ कर दिया जाए तो उनके नायब सदर बन जाए डीसी से आइंदा चंद रोज के लिए। लेकिन अब ये तमाशा जो लगा है ये तो अपनी मिसाल आप है, कोई तस्वुर नहीं कर सकता था ना CNN अमेरिका में ऐसा हो सकता। CNN ने और CNN तो चले ट्रंप का नाखिद है ही, लेकिन बड़े बड़े जो अखबारात और मीडिया हाउसेस थे उनकी जो सुर्खियां थी उसका मतन यूं था इंग्लिश के 3 लफ्जों में कि ये एक हमला है अमरीकी जमहूरियत पर। देखिए असॉल्ट ऑन अमेरिकन डेमोक्रेसी ये लफ्ज यूज किए गए कल CNN बजाने वाले लीडर, बाकी न्यूयॉर्क टाइम्स पे, वाशिंगटन पोस्ट पे डुगडुगी बजाने वाले लीडर हैं, ये अपने हामियों को खिस्ताल दिलाते हैं, उनको मुतहर्रक करते हैं। इंडिया में भी देखिए ये सूरत हाल, इंडिया में जो नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने अपनी हिंदू मेजोरिटी को मुतहर्रक करके और वहाँ एक अक्सरियत कायम की है, और अब वो जो दूसरे यानी उनके मुखालिफ हैं उनको रोते चले जा रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, कि जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार है भारत, वहाँ क्या हो रहा है किसानों के एहतजाज की सूरत में, और जो अलंबरदार है जमहूरियत का अमरीका वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन ये है कि अमरीका में मेरा यानी इम्कान ये है कि ये काबू हो जाए, आ जाएगा मामला, और सदर ट्रंप को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगरचे के देखिए मुझे तो लगता है वो मुसलसल सियासत में रहेंगे और अगले इंतखाब में भी उम्मीदवार होंगे। अच्छा, मोहम्मद आसिफ साहब ने ज्वाइन किया जो हमारे अमेरिका में कंट्री हेड हैं दुनिया टीवी के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, उनसे बात करते हैं नदीम मलिक साहब से। आसिफ साहब सबसे पहले आपसे बात करते हैं, आप चूंकि वहीं हैं अमेरिकी दारुल हुकूमत में, क्या देखा आपने, क्या सुना, क्या महसूस किया, और अब आप क्या कहने के काबिल हुए हैं इस वक्त? नहीं, शामी साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि यहाँ पे एक कयास था, और ये सब कुछ जो आप दोनों ने बयान किया है वो बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपको ये बताता जाऊँ कि सेनेट की जो बिल्डिंग है उसके इर्द गिर्द कोई फेंस नहीं है, वो पार्क है उसके इर्द गिर्द, कोई फेंस नहीं है। आप आके वॉक करके वहाँ चले जाए, खड़े हो जाए, सामने बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर आप घुस सकते हैं। ये सब चीजें हुकूमत को पता नहीं, जो मैं इस हर बात से एग्री करता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत तारीखी वाकया पेश आया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हुआ है। लेकिन आप इसमें से एक चीज पॉजिटिव देखें कि इंस्टीट्यूशन ने प्रवेल किया है, निजाम अपनी जगह कायम रहा, निजाम पे असर नहीं हुआ, कायम रहा है। देखिए हम लोग देख रहे हैं कि गलत क्या हुआ है, लेकिन आप ये देखें कि अमेरिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम ने बताया है कि इस मुल्क में इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रवेल करते हैं और सुपीरियर अथॉरिटी है। फ्रेंड्स जो कि सारा दिन ट्रंप के गीत गाते थे, जब सेनेट की बिल्डिंग में पहुंचे तो ट्रंप की बात ना मान सके जी। ट्रंप नाराज हो गए, ट्रंप ने उन पर ट्वीट की कि ये क्या कर रहा है, तो इंस्टीट्यूशन ने प्रवेल किया। तो उसके बाद मैं आपको एक और अहम बात बता दूं जी, बताइए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, या शामी साहब ने कहा कि वो इंतजाम नहीं थे। देखिए मेयर के पास अथॉरिटी है, 10 मिनट में नेशनल गार्ड कॉल कर सकता है वो, 10 मिनट। अगर मेयर डीसी का कॉल करता कि नेशनल गार्ड आ जाए तो विद इन 10 मिनट नेशनल गार्ड घेर लेते सारे इलाके। लेकिन मेहर ने ये बिल्कुल नहीं काम किया, उन्होंने पुलिस को हैंडल करने दिया। उनको पता था ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं जो आए हैं, इनको हैंडल करते हैं। उन्होंने एक्सट्रीम मैयज नहीं लिए ताकि इसका और तमाशा ना बने। उन्होंने मिनिमम फोर्स के साथ सारे मामला को बिठाया है। अब बाइडन कंफर्म हो गए हैं, अब अमन और अमान कायम हो चुका, लोग वापस जा चुके। बिल्कुल ये कल ही हो गया था। और कितने लोग गिरफ्तार हुए? गिरफ्तारी का शामी साहब कुछ जो एक्चुअल फिगर नहीं है, लेकिन कोई 200 से 400 के दरमियान में लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन कुछ भी होना, उनका भी सब रिलीज हो जाएंगे। ठीक यानी कोई ज्यादा मुकदमेबाजी की और जरूरत महसूस नहीं हो। मैं कल एक जो बाइडन के एक हामी तजियाकार थे, उनको सुन रहा था रात गए, तो वो ये मानते थे, उनका ये मानना था कि जो बाइडन जैसे इक़्तिदार संभाल लेंगे तो वो ये तमाम मामला को सियासत की नजर नहीं होने देंगे और माफ कर देंगे इनको, ताकि पोलराइजेशन मजीद अमेरिका में ना फैले। उनकी ये राय थी। अब आप ये बताइए, जी बताइए शाहिद साहब, क्या है, कल ट्रंप ने ट्वीट की थी जिसमें उसने अपनी हामियों को कहा था कि आप लोग ना वापस चले जाएं और तोड़ फोड़ ना करें। जी, वो ट्वीट भी उसने अपने वकीलों के कहने पे की थी। हाँ, ताकि एविडेंस रहे कि इसके ऊपर मुकदमे ना बनने शुरू हो जाएं कि इसमें ये सारा वायलेंस जो है ना वो लोगों को बताया है और लोगों ने ये काम किया। तो उसने अपने वकीलों के कहने पर ये ट्वीट की ताकि ऑन द रेकर्ड आ जाइए, मैंने तो इनको मना किया था। क्योंकि ट्रंप के ऊपर भी कुछ लोगों ने कल ट्वीट की हैं कि जो लोग मरे हैं उसका खून किसके हाथों पे तलाश करेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी, बात पूरी करें। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरी प्रेडिक्शन सही होगी, लेकिन आने वाले दिन बताएंगे कि जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या फैसला करेगी कि वो एक एक्स प्रेजिडेंट को कहाँ तक प्रोसिक्यूट करेगी। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। देखें ना जी, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की ट्वीट आई तशवीश से भरपूर। फिर साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने बहुत अहम ट्वीट्स किए, साबित किया कि वो स्टेट्समैन रहे हैं, बड़े ओहदे पर रहे। मगर ये मैं आपको बताऊं कि ट्रंप चैन से नहीं बैठने वाले, वो तो उनकी फितरत में नहीं। और इससे पहले अमरीका, वो तो रेसलिंग रिंग में पहुंच जाते थे। अमरीका की तारीख में एक वाकया हो चुका है 1882 में, कि जो अमेरिकन प्रेजिडेंट थे ना ग्रोवर क्लेवलैंड, जी जी, उनको शिकस्त हुई एक टर्म के बाद। लेकिन उन्होंने 4 साल के बाद फिर इलेक्शन लड़ा और फिर जो उनको शिकस्त देने वाले सदर थे उनको शिकस्त देकर दोबारा सदर मुंतखब। तो हो सकता है कि दूसरी दफा अमरीकी तारीख में यह मंजर आए कि ट्रंप जो है वो आइंदा इलेक्शन में उम्मीदवार बनने की कोशिश करें। और ये भी हो सकता है कि ट्रंप अब सियासत से किनारा कशी भी इख्तियार करें। ये तो चांसेस कम चांसेस लग गए हैं। और यह कि उनको कुछ शिकंजे में कसरे कानून। देखिए ये जो इस वक्त उनकी उम्र जो है और जो जो बाइडन की उम्र है उसमें इतना फर्क है, उम्र में वो इससे इनसे बहुत आगे हैं, बहुत उनसे बूढ़े हैं। 4 साल के बाद उनके लिए इलेक्शन दोबारा लड़ना एक मुश्किल होगा। और जो ट्रंप हैं वो मेरा ख्याल इसी तरह चौकस होंगे, उतने वो एक कोशिश तो जरूर करेंगे। हाँ। और मुसलसल अपने हामियों को मुतहर्रक रखेंगे। हाँ। ये नजर मुझे आ रहा है। नदीम मलिक साहब, आप क्या सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नदीम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको और आपकी तमाम टीम को और व्यूअर्स को सलाम अर्ज करता हूं। नदीम मलिक साहब, आप बताइए आपने क्या महसूस किया, क्या और क्या देखा अपनी आंखों से? आप अपना भी कोई तज्जिया बताइए ना। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो पिछले 2 रोज से जो वाकयात वाशिंगटन डीसी में हो रहे हैं ये कुछ सरप्राइज के तौर पे नहीं आए हैं। मैं थोड़ा सा आसिफ साहब की बात से इख्तलाफ करूंगा कि मेयर ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस, वी वर एक्सपेक्टिंग दिस। देखिए कि ये पिछले 3-4 रोज से हंड्रेड्स ऑफ बसेज में सवार हो कि ये लोग कन्फेडरेट के फ्लैग्स लेके ये लोग और नारे लगाते हुए ये लोग अपने पार्लियामेंट हाउस के, जिसको हम द कैपिटल कहते हैं, यूएस कैपिटल, उसके इर्द गिर्द जमा हो रहे थे। और कहाँ गई वो इंटेलिजेंस रिपोर्टें जहां पे अफगानिस्तान के रिमोट एरिया में भी अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज को तमाम तरह इंफॉर्मेशन और गुफ्तगू तक पता लग जाती है। उन्हें ये नहीं मालूम हुआ कि ये कैपिटल हिल के इर्द गिर्द ये क्या प्लान होने जा रहा है और ये क्या एग्जीक्यूट होने जा रहा है। और फिर जिस वक्त कल दोपहर को प्रेसिडेंट साहब ने एक पब्लिक गैदरिंग में ये कहा कि लेट्स गो टू द पार्लियामेंट, और वो जो हमारे डेमोक्रेट्स हैं वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, रिपब्लिकन्स भी चंद हैं जिनको हेल्प की जरूरत है। सो इन अदर वर्ड्स उन्होंने बड़े क्लियर अल्फाज में बगावत का हुक्म दिया अपने सपोर्टर्स को। क्या उस वक्त भी मेयर को या इर्द गिर्द के इलाकों को, एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये मालूम नहीं हुआ कि ये क्या होने जा रहा है? फिर उसके बाद जिस वक्त कैपिटल हिल के सामने लोग जमा हुए, जिस वक्त तोड़फोड़ शुरू की गई, उसमें भी तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे, क्या उस वक्त भी किसी को मालूम नहीं हुआ? देखिए ये फर्क है, ये दो चीजें जामी साहब और शामी साहब, मैं ये अर्ज करूंगा कि ये दो चीजें बड़ी क्लियर इस वक्त वाजे हुई हैं कि अमेरिकन इंटेलिजेंस सिस्टम और लॉ एनफोर्समेंट में भी दो क्लियर डिवाइड हैं। अगर ये आईसिस का फ्लैग लेके एक मुसलमान कांग्रेस के इर्द गिर्द भी घूम रहा होता तो अब तक वहां पे कई लाशें गिर चुकी होती। कन्फेडरेट का फ्लैग लेके लोग खिड़कियां दरवाजे तोड़ के पार्लियामेंट हाउस के अंदर कांग्रेस और सेनेट के हॉल में जाके तशद्दद करते रहे और तोड़ फोड़ करते रहे, 4 लोग हलाक हुए। तो ये बहुत बड़ा वाकया है। उसके बावजूद आप ये बताएं कि ये यानी आपके ख्याल में ये गफलत नहीं थी, ये दानिस्ता चश्मपोशी थी? जी बिल्कुल, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और मैं समझता हूँ इस पे कुछ आने वाले दिनों में इंक्वायरीज भी होंगी और इस पे बात होगी, शोर शराबा होगा कि इसमें किसकी गलती है, क्यों ये सब कुछ इग्नोर किया गया। तो आपके ख्याल में जो ट्रंप है उनको हटाए जाने की बात जो है बगावत का मुकदमा भी बन सकता है, क्योंकि जो बाइडेन ने भी यही बात कही है, उनका मुर्तकब बगावत है, उनका मुर्तकब हुए ये उसके। जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन नहीं हारे हैं, वो अपनी जिंदगी की बाजी हारे हैं, इसीलिए ही इज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ। देखिए कोई भी इलेक्शन हारने वाला इस हद तक नहीं जाता। और दूसरी बात यह है कि ये यकीनन बात होगी कि डिस्कशन इस पे होगी कि इस पे बगावत का मुकदमा होगा, लेकिन ये भी मैं प्रेडिक्शन दे दूं कि बगावत का मुकदमा नहीं किया जाएगा, इसलिए कि जिस वक्त अमेरिकन सिस्टम की बात आती है, इंस्टीट्यूशन की बात आती है, तो इंटेग्रिटी ऑफ प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है उसके तहत उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वैसे भी खासा गैर मामूली मामला होगा अमेरिका में। जिक्र आता है ट्रंप साहब को हटाए जाने की मैं बात करना चाह रहा हूं कि उस पर डेमोक्रेट्स के यहाँ, क्योंकि आप उनके ज्यादा करीब हैं, क्या सोच पाई जाती है? क्या उनको हटाया जा सकता है? वो तो काबीना ने हटाना है, तो काबीना रिपब्लिकन है। जी हाँ, तो जो इस वक्त नहीं, उन्होंने डेमोक्रेट्स ने जो काबीना के लोगों से राब्ता किया है, उनके साथ मेल मुलाकात करके इस इशू को उठाया है। उस सिलसिले में जानना चाह रहा हूँ कि क्या डेमोक्रेट्स के पास ये इख्तियार नहीं है, कैबिनेट के पास, ये कैबिनेट के पास इख्तियार है, उसकी मेजोरिटी है, अगर उसमें मान दे तो फिर हटा सकते। वही जानना चाह रहा हूँ कि फिर क्या उसमें पेशरफ्त हुई। जी देखिए इस वक्त आज भी अभी इस वक्त भी वॉशिंगटन डीसी में कन्वर्सेशन जारी है, गो के जिस तरह आसिफ साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि उन्होंने अपने वकला के कहने पे वो स्टेटमेंट जो कल रात को लेट नाइट दी के लेट्स गो बैक एंड आई लव यू ऑल, इन अदर वर्ड्स उन्होंने कहा कि आप स्टैंड बाय रहें, आई स्टिल लव यू, आई स्टिल नीड यू। लेकिन देखिए ये वाकया होगा और इस वक्त बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कांग्रेस के ऊपर कैपिटल बिल्डिंग पे हमला करने की वजह से नहीं होगा। मैं एक और बात आपको यहाँ पे वाजे करता चलूं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है उसके पास न्यूक्लियर कोड्स हैं। ये शख्स जो अपनी जिंदगी की बाजी फाइट कर रहा है, ही कैन गो टू एनी एक्सटेंड। उसको मालूम है कि देयर इज क्रिमिनोलॉजी उसके जो एक्शन में पिछले 4 साल में। सो ये शख्स किसी हद तक जा सकता है, इसीलिए जो स्मार्ट और सेंसेबल रिपब्लिकन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ कोर्स जो मेंबर ऑफ कैबिनेट हैं, दे आर स्टिल टॉकिंग अबाउट रिमूविंग हिम। और अगले 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं जाती तौर पे समझता हूं, नॉट एज ए डेमोक्रेट बट एज ए लॉयल एंड लविंग एंड लॉ अबाइडिंग यूएस सिटीजन, कि ये शख्स अमेरिका के लिए और दुनिया के पीस के लिए बहुत सख्त खतरा है। ही इज स्टिल कैरिंग द न्यूक्लियर कोड्स। सो ये मेरा ख्याल है कि हमारे जितने बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब अपना तजिया पेश करे थे, उनकी अपनी राय थी जो आपने सुनी भी। ये जो उनको हटाने का मामला सर, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वक्त बहुत कम है और उतने कम वक्त में ये जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो तरीकाकार वहाँ पे है अमेरिका में, वो पूरा नहीं हो सकता। तो ये एक बहस में तो आएगी, डिबेट में तो आएगी, लेकिन चाहे संजीदगी शायद में उनको अलग कर सकती है। चंद रोज रह गए हैं ताकि अब मेरा ख्याल है कि अब जो उनके जो अहकामात हैं, ओंगे बोंगे अहकामात, उनकी तामील भी नहीं होगी। एक बात लेकिन बुनियादी बात समझा कि फर्क क्या है हमारे और उनके दरमियान। क्या हमारे यहाँ जब कोई तनाज़ा पैदा होता है तो जो अदारे हैं, अब इलेक्शन कमीशन है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, बाज़ औक़ात हम उन अदारों को लपेट में ले लेते हैं। नतीजा ये है कि जो सलाहियत होती है तनाज़े को निपटाने की इदारे की वो खत्म हो जाती है, मफलूज हो जाती है, अंडरमाइन कर दिया। इसीलिए 1970 में मार्शल लॉ लगा। हाँ, इसीलिए हम बात अब करें वैसे। बाद में यानी 2001 में मार्शल लॉ लगा। तो अगर अदारे अपना काम कर रहे हों, उनका तहक्कुम बरकरार हो, तो फिर अभी आप देखिए पाकिस्तान में जब भी क्राइसिस होता है, टेक ओवर होता है, उसको चैलेंज किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ यानी दस्तूर इसकी इजाजत नहीं देता, ये हाई ट्रीजन है टेक ओवर। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि ये ऐसे हालात पैदा हो चुके थे गैर मामूली कि ये जवाज था टेक ओवर का। मगर उससे देखिए, उससे एक जो भी आप उस फैसले से इख्तलाफ करें या इत्तफाक करें, आपका सिस्टम चलता रहता है। फिर आपकी रियासत की गाड़ी जो है ना, वो पटरी पर रहती है। और एक दफा जब ये जो फैसला आखिरी दूसरा मार्शल लॉ लगाया जो अपना परवेज मुशर्रफ ने 2007 में शायद, उस पर सुप्रीम कोर्ट थी ना वो, तो हम वही मार्शल लॉ जजों को फारिग कर दिया ना, तो एक मार्शल लॉ था इमरजेंसी का, उसके खिलाफ वर्डिक्ट दिया फिर सुप्रीम कोर्ट ने, और उनको जाना पड़ा परवेज मुशर्रफ को फिर घर। तो ये जो है, तो इस लिहाज से ये बड़ा बुनियादी फर्क था। मेरे ख्याल पूरी गुफ्तगू का ये खुलासा है हमारी कि फर्क क्या था। हाँ। उसका वजूद इस लिहाज से गनीमत है कि वो कहाँ भी आप उस फैसले से इनकार करें या इकरार करें, तनकीद करें या ना करें, लेकिन उससे रियासत जो है वो अपने तसलसल को और अपने तहक्कुम को कायम रख पाती है। ये बड़ा बुनियादी और अहम फर्क था। मेरे ख्याल ये सबसे अहम बात ही, ये बुनियादी बात, ये फर्क समझ लेते वहां और यहाँ। अदारे इस काबिल होने चाहिए कि वो प्रिवेल कर सके, कि वो प्रिवेल करें और क्राइसिस को हल करें और उनकी लपेट में ना आ जाए। बहरहाल ये तो हमने कल देख ही लिया कि विद इन आवर्स अमेरिका में जो निज़ाम था वो प्रिवेल किया, वो सिस्टम हरकत में आया बगैर किसी सियासी असर और रसूख के या बगैर किसी इशारे के, उसने अपना काम कर दिखाया क्योंकि इदारे मजबूत है। एक ब्रेक नाज़रीन, फिर सानिया मच की बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, ये अमेरिका में जो कुछ कल हुआ उस पर फीडबैक बहुत आ रहा है। अशरफ अजीम साहब का आपको पैगाम है, वो भी अजीम साहब साबक जनाब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पीटीवी के, वो वहाँ कनाडा बैठ के हमें देखते हैं, हम उनको नहीं देख सकते। हम उन्हें चले पैगाम पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं हुजूर ये दोनों हाउसेस की 2/3 मेजोरिटी दरकार है ठीक प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। वो दुरुस्त है हुजूर, हम इम्पीचमेंट की बात नहीं कर रहे। ये जो दस्तूर की दफा 25वीं तरमीम है उसके तहत आर्जी तौर पर सदर को अलग किया जा सकता है, अनफिट करार दिया जा सकता है और नायब सदर फिर संभाल सकते हैं अगर वो जिम्मेदारी अदा करने के काबिल ना रहे। ठीक, ये इम्पीचमेंट की बात नहीं हो रही। चल सर, आज मरियम नवाज साहबा और बिलावल भुट्टो पहुंचे हैं, वहां पहुंच गए जी। मरियम नवाज साहबा के हमरा अहसन इकबाल भी थे, खुरम दस्तगीर राना सनाउल्लाह भी, बिलावल साहब के साथ साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी थे और दीगर उनके जो डॉक्टर मुराद अली शाह वो भी वहाँ मौजूद थे। शुरका से मुखातिब हुए, दोनों की आंखें नम भी थीं, उनका दुख दर्द भी बांटने की कोशिश की और दबे लफ्ज़ों में ये भी कहा कि जिससे आप फरियाद कर रहे हैं उन्हें भी आना चाहिए। देखिए दोनों ने क्या कहा। नहीं, दबे लफ्ज़ों से नहीं कहा, मैं बड़े खुले लफ्ज़ों से कहा। चले यूँ कम अज़ कम मरियम में तो चले देखिए, नहीं वो रिवायती गूंज गरज नहीं थी जो जलसों में होती है। उस मौका महक का शायद ख्याल रखा गया। देखिए लगी लिपटी नहीं थी मुझे। मुझे नहीं पता मैं आपको क्या दे सकती हूँ क्योंकि मेरी जमात ना इस वक्त इक़्तिदार में है ना शायद मैं इस वक्त आपके लिए सवाए आपके लिए आवाज़ उठाने के मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, बेटी हूँ, मुझे एहसास है आपकी तकलीफ़ का, एक बहन हूँ, मुझे एहसास है आपकी तकलीफ़ का। और मैं इमरान ख़ान साहब को भी कहती हूँ कि आप एक बाप भी हैं, वालिद हैं, बहनों के भाई भी हैं और आपकी फैमिली भी है। आप अपने बच्चों को सामने रखकर अल्लाह ताला आपके बच्चों को सलामत रखे। ज़रा इस एहसास को अपने इनकी तकलीफ़ को अपने ऊपर तारी करने का ज़रा थोड़ी सी कोशिश करें ताकि आपको एहसास हो इनकी तकलीफ़ का। मैं आपके हौसले और सब्र को सलाम करती हूँ। अब रियासत की बारी है कि वो अपना हक अदा करे, और अगर ये हुक्मरान यहाँ पर नहीं आता तो वो सुन ले, फिर ये कौम उसको अब इस्लामाबाद में इस कुर्सी पर बैठने की इजाज़त नहीं देगी। ये कहाँ की इंसाफ है? हमारे शहीदों को खानदान अपनी लाशों के साथ बैठकर एहतजाज करना पड़ता है, मुसलसल करना पड़ता है, मगर हम आज तक उनका एक शहीद का इंसाफ नहीं दिलवा सकते। हम इस रियासत से अपील करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इस मुल्क में मोहब वतन लोग हैं वो आपके सामने बैठे हैं। अगर हम इन मजलूमों को इंसाफ नहीं दिलवा सकते हैं तो हम किसको इंसाफ दिलवाएंगे? ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ जब तक रियासत नहीं दिलवा सकता तब तक वो अपने आप को रियासत नहीं खिला सकता है। ये रियासत का फ़र्ज़ है, सबसे पहले फ़र्ज़ है कि आपने अपने शहरियों का ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फरहम करना है। अब सर ये यहाँ से ये एहतजाज शुरू हुआ था, लाहौर, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, कराची, मुल्तान और मुल्क के दीगर शहरों में फैल गया। इस मगरबी बाईपास के अलावा जो सबसे ज़्यादा एहतजाज हो रहा है कराची में 15 से 18 मकामात हैं। तो कराची की खबर भी लेते हैं और कोयटा की भी, दोनों कॉरेस्पोंडेंट साथ हैं। पहले आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बात यह कि दोनों ने बहुत संजीदगी से गुफ्तगू की है। गो के लिया के शाबानी साहब ने कहा सियासत कर रहे हैं, ये नहीं सियासत, उन्होंने कोई मेरा ख्याल तेल नहीं फेंका और एक बड़े यानी सोगवार लहजे में गुफ्तगू की है। और वजीर आजम जो थे वो आज वो तुर्क ड्रामा जो है उसका कुछ और तुर्क ड्रामे की टीम थी, उसके साथ उनकी मुलाकात थी जो तयशुदा थी, और उसमें जो तुर्क लाला एक तहरीक खिलाफत के बड़े किरदार गुजरे हैं उनकी ज़िंदगी पर गौर किया गया और उसके ऊपर ड्रामा और जो ड्रामा बनाने के लिए जी मुस्लिम इस्लाफ की जो पैगामात हैं उनको आम करने के लिए बात की गई कि 80 की दिहाई तक तो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत सक्सेसफुल थी, बाद में नहीं रही, तो नौजवान नस्ल की इस्लाह के लिए अपने जो हीरोज़ हैं उनकी ज़िंदगी पर ड्रामे दिखाए जाएँ, ये अच्छी बात है। यही सवाल मैंने उठाया था और शहबाज गिल साहब ने मुझे जवाब दिया कि इसमें बुराई क्या है कि अगर वज़ीर आज़म दीन इस्लाम की सरबुलंदी और इस्लाफ के पैगाम की तरवीज के लिए कोई बुराई नहीं। हाँ। और पीटीवी का जो ड्रामा था हाँ। उसको यकीनन रिवाइव करने की ज़रूरत है। और ये जो प्राइवेट चैनल्स हैं इन्होंने जो बदअखलाकी, बेशर्मी, बेहयाई और बद किरदारी फैला रखी ड्रामों के जरिए, रिश्तों को पामाल कर रहे हैं, नई नस्ल को खराब कर रहे हैं, इन पर सेंसरशिप आयद होनी चाहिए, लगाएं इन ड्रामों पर लगाएं। लेकिन पीटीवी के ड्रामे को रिवाइव करें, बिल्कुल करें, अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि मगरबी बाईपास के लवाहिकीन को क्या पैगाम? आज टाइमिंग की बात है, ये बात आज की जरूरत यह है, इस्लामी इकदार का तकाजा है, अखलाक का तकाजा है कि मदीने की रियासत के जो वजीर आजम हैं वो वहां जाए और उन शहीदों के लवाकिन से मिले, गवर्नर हाउस में बुला लें उनको, वजीर आला हाउस में बुला लें और ये मामला ख़त्म कर दें। ये एक अच्छी बात होगी, वो इस पर गौर करें, मौतबाना उनसे गुजारिश है। अच्छा इरफान सही साहब, दोपहर में कुछ ये खबरें भी आई कि धरने के जो शुरकाए मुंतजमीन है वो शायद एग्री हो गए हैं, धरना ख़त्म करने के लिए जल्द तदफीन कर ली जाएगी। ये क्या मामला था? आज अपोजिशन के रहनुमा भी पहुँचे, वो कैसी रही उनकी मुलाकात और अब मुतासरीन क्या कहते हैं मजीद? आज जामी जो पहले आपने ख़बर का जिक्र किया कि दोपहर के वक्त एक ख़बर चली कि धरने के शुरका मान गए हैं, धरना ख़त्म कर देंगे, कुछ देर बाद धरना ख़त्म हो जाएगा। जब ये खबरें मीडिया पे चल रही थी तो इसी दौरान हमने जो धरने के शुरका उनसे जो बातचीत की, उनका ये कहना था कि हमें भी मीडिया से ही पता चल रहा है कि हमने धरना ख़त्म करना है, लेकिन ये कोई ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ। ये खबरें चलाई गई थी वहाँ से, इस्लामाबाद से, PM हाउस से, लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं है। उनका ये कहना था कि हम जब तक हमारा एक ही मुतालबा, जो अहम मुतालबा है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे हम अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे। तो इसी सिलसिले में अब भी उनका धरना जारी है और बदस्तूर अपने उस मुतालबे पर कायम है। धरना ख़त्म करने के हवाले से जो खबरें चलाई गई थी मीडिया पर PM हाउस की तरफ से, वो उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया और उनका कहना है कि हम अपने मुतालबे से कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे, लाशें यहीं पर पड़ी रहेंगी और मरियम बीबी और बिलावल जो आए हैं उन्होंने उनसे ये अपील नहीं की कि आप जो मैयतें हैं उनको दफना दें। हालांकि कल जो ट्वीट था उनका कि उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे। क्यों जी इरफान साहब, शामी साहब, बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल उन्होंने तकरीर में उन्होंने अगरचा शामी साहब नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जब ख़वातीन के साथ जब मरियम बीबी ने मुलाकात की और इस तरह बिलावल भुट्टो ने भी जब यहाँ पे जो इनके धरना के जो शुरका है उनसे जो बातचीत की जिसमें माइक ऑन नहीं थे, उस दौरान उन्होंने यकीनन इस बात पे उन्होंने ज़ोर दिया कि आप लोग इतना वो इंतज़ार ना करें, हुकूमत को चाहिए था कि वो फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद करती और वज़ीर आज़म को यहाँ आना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात है कि वो नहीं आए। उन्होंने तो बिलावल भुट्टो ने तो अपनी माजी की हुकूमत का भी हवाला दिया कि जब माजी में भी ऐसा हुआ था तो हमने अपनी वज़ीर आला को गवर्नर राज लगा दिया था वहाँ पे। आप इरफान साथ रहिएगा जरा, क्योंकि कराची में कई मकामात पर ये सिलसिला, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी। तो बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल नसीर कराची से। बिलाल, कराची में कहाँ कहाँ इन लवाहकीन के साथ इजहार यकजहती के लिए एहतजाज हो रहा है और क्या सूरत हाल है शहर में? जी बिल्कुल, तीन मकामात से ये एहतजाज जो है वो इब्तदाई तौर पर 3 रोज़ कबल जो है वो शुरू हुआ था और अब वक्तन व वक्तन 19 मकामात जो हैं उस पर ये एहतजाज अब भी चल रहा है। मेन शाहराहें हो अगर शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, सदर टावर, नाजमाबाद, लांडी, लियाकताबाद, तमाम मकामात पर जो है वो मुजाहिरीन मौजूद हैं, सड़कें ब्लॉक करके इदारे यकजहती कर रहे हैं। चल, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल और इरफान से। शामी साहब, वक्त खत्म हो रहा है। मैं जिक्र करने उस्मान बुजदार साहब का, कोविड का शिकार हुए लेकिन आज इत्तला मिली कुछ चहलकदमी की लॉन में भी और कुछ तो नेगेटिव आ गया उनका। खबर तो ये आई है कि वो काम करते रहे, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि अपने वो फराइज अदा करते रहे। बहुत अच्छी बात, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो गए, एक अच्छी बात है। जो उनकी अगर बीमारी के दौरान भी एक तो उनकी कुव्वत मुदाफ़त काफ़ी है क्योंकि वो वार जो है अपने ऊपर सारे मर्दाना वार उनका सामना कर रहे हैं। खबर आपको देता चलो मैं एक खबर दूंगा आपको मैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके हवाले से इत्मीनान का इजहार किया। कल उन्होंने मुलाकात की थी कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट यूट्यूबर्स के साथ, खबरें तो मंजर यहाँ पर नहीं आई लेकिन मेरे पास इत्तला है, तो उन्होंने केपीके की ब्यूरोक्रेसी से थोड़ा सा अदम इत्मीनान का इजहार किया और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का गिला तमाम वज़ीर आज़म करते हैं। बड़ी अजीब खबर है, मैं दे रहा हूँ। बहरहाल आप देखिए, वैसे मैंने कहा कि ये अगर उस्मान बुज़दार साहब इस तरह से माशाल्लाह काम करते रहे और सेहतयाब भी हो गए तो दाद तो उनके डॉक्टरों को भी देनी चाहिए। चले ठीक है, पता नहीं डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब है, वो तो वैसे वली अल्लाह है, चले वो डॉक्टर हैं या असद असलम थे या इलाज किया मालूम करते हैं, फिर अगले प्रोग्राम में फिर इस पे तफसील से बात होगी। यास्मीन राशिद ने किया है इलाज, चले ये भी तो हो सकता है। ठीक है, एक ब्रेक नाज़रीन। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम वक्त यहाँ खत्म हुआ। चाहते हैं आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। Shanaaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.